नमस्कार सर। मैंने पहले भी आपके चैनल में मैंने पूछा था, ये जोमैटो पे था, 3800 शेयर है, 53 रुपए 15 रुपए से पे है। पहले आपने बताया था जी ब्लिंकिट का अभी कुछ परफॉर्मेंस आएगा, और कई मैंने अभी चैनल में देखे थे आपके इसमें कि 250 रुपए तक के कुछ टारगेट दिए, कुछ 250 रुपए तक के टारगेट दिखा रहे थे, लेकिन ऑफ लेट 2-3 दिन में ये काफी कुछ लुढ़क गया है, मतलब 200 तक गया था फिर 184 आ गया, तो अब क्या करें, ये मैंने आपसे प्रश्न पूछना था सर। जी इसमें कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, अभी लास्ट वीक ही थी, एक 240 तक के टारगेट उसमें जोमैटो के दिए गए हैं, और ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल में 200 तक गया भी था, ये भी बात बिल्कुल सच है आपकी। तो ब्लिंकिट इनका जो एक क्विक डिलीवरी सर्विस वाला काम है ना, उस पर इस क्वार्टर के रिजल्ट में लोग देखना चाहते हैं कि कहाँ तक बात पहुँची प्रॉफिट को लेकर के, उसके कामकाज को लेकर के, तो उसके आधार पर यह है कि अब इनका वही एक प्रॉब्लम एरिया जिसको इनको एड्रेस करना है खास तौर पर। बाकी मेन जोमैटो में तो अब ये प्रॉफिट बना भी रहे हैं और कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आपका सही है कि 200 तक जाके अभी आ गया 184 पर, और बाइंग बहुत अच्छे लेवल की है राजेश जी, 53 रुपए में खरीदा है। आई थिंक नीरज जी उन्हें होल्ड करना चाहिए। मैं जोमैटो का चार्ट देख रहा हूँ, ये वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देख रहा हूँ, तो मंथली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, वो है 167 का लेवल, 168 का टू बी वेरी प्रिसाइज, और 168 का जो ब्रेकआउट है ये अभी इसका फ्लोर बनेगा, तो मुझे लगता है 165-168 ये फ्लोर बना के इवेंचुअली ये 200 के पार चला जाएगा, प्रोबेबली 220-225 इसका पहला टारगेट होगा। तो यस, मेरे हिसाब से उन्हें बने रहना चाहिए, लेकिन जैसे कि हमने सपोर्ट की बात की 165-168, तो इसका जो स्टॉप लॉस प्लेस होगा, देखिए पोजिशनल बात करेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप ही रखेंगे, हिट एंड रन केस नहीं होना चाहिए, तो 155 का स्टॉप लॉस रखे और बने रहे, मुझे लगता है इवेंचुअली 200 के पार चला जाएगा। काउंटर में स्ट्रेंथ स्लोली एंड स्टेडीली आ रही है। काउंटर में स्ट्रेंथ स्लोली एंड स्टेडीली आ रही है। सूर्यनारायण जी, ये इसने अपना बहुत बुरा दौर देख लिया है, अब ये अच्छे दौर में है, तो चूंकि ऑफकोर्स जैसे मान लिया आपके जैसा ही कोई होगा 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये में लिया, 200 तक गया, तो मन में कोई ना कोई तो होगा जो प्रॉफिट जरूर ले रहा होगा, तो अब इसमें यह है कि अगर आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं काफ़ी चल चुका है पैसे की ज़रूरत है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कि ह्यूज प्रॉफिट आपको इसमें है, लेकिन हमें मेरी सलाह ये है कि भी रिजल्ट एक बार थोड़ा देखना चाहिए इनका मैनेजमेंट।